आदाब नमस्कार जय भीम लोहार सभी लोगों को। आज बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल आज़ाद फतेहपुरी साहब से और उनका इतिहास को लेके बहुत काम है। फतेहपुर में फतेहपुर जनपद जो है वो कानपुर से और इलाहाबाद के बीच में स्थित है। यहाँ का भी अपना बहुत इतिहास है जो उनसे सुनेंगे हम। और एक बहुत बड़ी याद फतेहपुर की है जो लोग मौलाना हसरत मोहानी साहब को जानते होंगे या पढ़े होंगे, उनको उनकी याद फतेहपुर के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि फतेहपुर में उनकी पढ़ाई हुई है। और लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि फतेहपुर के जो प्रमुख लोग हैं उनके बारे में फतेहपुर उन्हें याद नहीं करना चाहता। मैंने आज एक छोटा सी पोस्ट फतेहपुर के बारे में डाला था कि फतेहपुर में एक प्रधानमंत्री हुए थे वीपी सिंह, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, जिनको देश भर में हम लोग याद रखते हैं सामाजिक न्याय के लिए। लेकिन जिस जगह को उन्होंने दो बार रिप्रेजेंट किया वो कहीं उनका एक स्मारक भी नहीं है। और जो स्मारक बना है उनके नाम का पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे स्मारक बना है फतेहपुर में। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी वैसे कभी बोला नहीं जाता, लेकिन अब ब्राह्मण लोग भी अटल बिहारी वाजपेयी को पंडित नाम से सुनकर मन ही मन बड़े गदगद होते हैं। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं मौलाना हसरत मोहानी साहब के बारे में और एक नई किताब आज़ाद साहब की आई है हिंदी की प्रथम रचना मुल्ला दाऊद दलमई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका शोध है। मैं समझता हूँ इस शोध के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, तो हम इस विषय में भी बातचीत करेंगे और मौलाना हसरत मोहानी जी के बारे में भी बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हसरत मोहानी का उनका जन्म तो उन्नाव में हुआ, मोहना नाम की जगह, तो फतेहपुर वो कैसे आया और क्या रिश्ता उनका फतेहपुर के साथ बना? असल में यह है कि ये नीशापुर के हैं रहने वाले, इनके बाप दादा तो नीशापुर से ये आए मोहान, और मोहान में ये मोहान के जो इनके दादा थे उन्होंने अपना विवाह यहाँ किया था फतेहपुर जी। तो फतेहपुर में उनको जायदाद के रूप में खेती किसानी भी मिली। तो उनके जो पुत्र थे यानी जो मोचे असद मोहानी के पिता थे वो यहीं रहते थे जायदाद की देखभाल। अच्छा, एक वजह तो ये जी। और दूसरी वजह ये है कि ये बचपने ही से आशिक मिजाज थे। अच्छा, बचपने से चुनांचे वो उनके मोहल्ले में एक साहिब हुसैन थे, उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी तो रोजाना उसको घूमने जाते थे। अच्छा। और वो भी चूंकि जानती थी कि ये फैमिली बड़ी अच्छी है। अच्छा। इसलिए वो बेखतर इनके सामने रहती थी, बात करती थी, यही बात ही करते थे उनके पास जाकर के। ये उस समय का किस्सा है जब इनकी आयु 4-5 साल की थी। अच्छा, अच्छा। उस समय से वो आशिक मिजाज थे। तो उसके बाद ये है कि इन्होंने वहाँ से मिडिल किया मोहान से, और मोहान से मिडिल में इन्होंने टॉप किया पूरी यूपी। पूरी यूपी को टॉप करने के बाद, क्योंकि दो कारण थे, एक तो एक उनके पिता यहाँ थे और यहाँ जो यूपी में GICs खोले गए थे जी। एक ही वर्ष और एक ही दिन में खोले थे, तो उसमें फतेहपुर में भी इत्तेफाक से उसी दिन ये GIC खुला था। उसकी इसकी ख्याति भी थी। और दूसरे ये कि इनके पिता यहाँ थे। तीसरी बात ये थी कि निशातुन निशा वो लड़की जिस पर ये आशिक थे, वो जाहिर बात थी कि इनका चल रहा था तिकड़मबाजी। जब उनका ये सब कुछ चल रहा था तो उनको अलग भी करना था वहाँ से। अच्छा। तो 14 मील पर था लखनऊ भेज सकते थे, उनका 14 मील फिर पहुँच सकती थी। अतने वो शब्बीर साहब एक थे वहाँ वकील, उनकी लड़की थी। अच्छा। तो थोड़ा सा उसका भी फायदा उठा रही होगी। तो इस तरीके से ये है कि इनको हमारे हिसाब से ये है कि ये इस कास्टी वाला ज़्यादा मामला है, क्योंकि अगर खाली ये मामला होता कि ये इनके पिता यहाँ हैं तो वो लखनऊ जा सकती थी, क्योंकि लखनऊ जा सकते थे, क्योंकि 14 मील के एरिए है, यहाँ तो 100 से ज़्यादा है फतेहपुर। बहरहाल फिर यहाँ ये लाए गए और यहाँ ये किराए के मकान में रहते थे, तो मुल्ला खैलदार एक है वहाँ बगल में जी, उसमें वो रहते थे। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो मुल्ला सैयदवाड़े में रहने लगे, एक कमालुद्दीन वकील है उनके सामने रहते थे। तो बहरहाल ये कि वो यहाँ बहुत ज़्यादा अपने पिता के कारण, और दूसरे ये कि पिता ही खुद इनको एडमिशन कराने लाए यहाँ GIC में, और पिता ने इनकी एज 11 साल लिखी। अब एक साहब ने मुझसे प्रश्न किया
कि आप ये बताइए कि ये मिडिल पास में टॉप करके ये फतेहपुर गए क्यों गए और अपनी आयु क्या लिखाई? हमने कहा आयु इन्होंने अपनी सही लिखाई है, इनके पिता ने लिखाई है। तो कहने लगे कि फिर ये टॉप तो किए थे वहाँ अपने मोहन से, तो सवाल ये है कि फिर ये फतेहपुर क्यों आए? तो हमने कहा फतेहपुर वो इसलिए आए थे, एक तो ये कि GIC ने फतेहपुर उस समय ख्याति प्राप्त था और बड़े बड़े लोग यहीं के पड़े हुए हैं, DIG मानसिंह भी यहीं के पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो इसलिए इस कारण ये यहाँ भेजे गए, उनको खुद एडमिशन कराने आए, अपना पेशा उन्होंने काश्तकारी लिखा और इनकी आयु उन्होंने 11 वर्ष लिखाई। अब एक साहब ने हमसे प्रश्न किया करना चाहिए कि ये जब यहाँ एडमिशन लिए और 11 वर्ष आयु लिखाई तो ये तो टॉप करके आए थे वही मिडिल, तो उसका क्या किया? हमने कहा वो इतने बेवकूफ न थे, उन्होंने लिख दिया कहीं नहीं पढ़ा। और कहीं नहीं पढ़ा होने के बाद इसका एडमिशन, क्योंकि इन्होंने टॉप किया था पूरे यूपी को, तो हम मेरी दृष्टि में, मेरा जो दृष्टिकोण है वो ये कि वो इसको मेंटेन रखना चाहते थे, इसलिए यहाँ जब इन्होंने एडमिशन लिया दर्जा 3 में लिया, मिडिल में टॉप करके इन्होंने एडमिशन लिया दर्जा 3, और हमारे पास उसका प्रमाण है क्योंकि वो हम इसके TC लिए हुए हैं। अच्छा। और बाकायदा गवर्नमेंट फीस जमा करके TC ली थी, बल्कि प्रिंसिपल ने पूछा भी था कि क्या रिलेशन है, हमने कहा ये लिख लीजिए कि हमारे रिसर्च का टॉपिक है, तो ये रिलेशन हो गया कि हम पर रिसर्च कर रहे हैं और वो पर्सनालिटी जिन पर रिसर्च किया जा रहा है। बहरहाल वो हमको TC उन्होंने दिया, हालांकि थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन फिर जब पता लगा है कि ये वकील भी हैं तो हमको TC मिल गई, जो TC इस वक्त भी है और हम आपको उसको प्रस्तुत करेंगे आपके समझ और आपको दे देंगे ताकि आप उसको यूज़ करें, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर है और उससे बहुत सी, यानी हमारी पुस्तक हसरत मोहानी पर है उसका हम समझते हैं कि 1/4 पोर्शन जो है उसी TC का निर्धारित है, क्योंकि TC ही बताता है कि क्या हुआ, क्योंकि उस जमाने की जो TC थी वो ऐसा है कि इतना कम्प्लीट रिकॉर्ड था, और जब से GIC यहाँ स्थापित हुआ था तब से ये 488 इनका स्कॉलर नंबर है। अच्छा। यानी 488वां ये व्यक्ति है जिसने यहाँ एडमिशन लिया था, तो इस 488 में उनका सारा रिकॉर्ड है। तो दर्जा 3 में एडमिशन लिया और दर्जा 3 से लेकर के दर्जा 10 तक में ये सारा जो है इन्होंने थोड़े से मुद्दत में इसको इन्होंने हासिल कर लिया। हाँ, उसको हासिल कर लिया और यहाँ से फिर इन्होंने टॉप किया पूरी यूपी का 10 और हमारा अपना, चूँकि हमने पोजीशन हमने ही पाई है जी, कागड़ा यूनिवर्सिटी में हमारी जो एडमिशन हुए थे 4th पोजीशन थी, इलाहाबाद में भी हम एडमिशन लिए हुए थे, हमारे जो पिताजी थे उन्होंने 3 जगह एडमिशन हमारे करा दिए थे कि जहाँ चाहे, लेकिन फिर हम यहाँ आ गए क्योंकि यहाँ आकर हमें माहौल अच्छा लगा किराएचार्य का, वहाँ हर किस्म के लोग आते थे, यहाँ छठे हुए लोग आते थे पूरे गांव के, तो ये इस तरीके से हमने किराएचार्य से अपना BA किया। तो हसरत मोहानी की ये TC ये समझ लीजिए कि 1/4 पुस्तक हमारी इसी पर, क्योंकि उसी में सब कुछ है। अच्छा। कि उन्होंने कब दर्जा 4 पहुँचे, कब दर्जा 5 पहुँचे, 6 पहुँचे, 7 पहुँचे, तो ये इन्होंने ये सारा मुद्दत इन्होंने क्रॉस की है सिर्फ 4 वर्ष। अच्छा। तो 12वीं के बाद तो ये अलीगढ़ चले गए? अलीगढ़ नहीं, 10वीं के बाद, 10वीं के बाद, 10वीं के बाद गए। तो जब ये इन्होंने ये सब कुछ किया और उसके बाद अपना पोजीशन बनाई, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो उस वक्त कॉलेज था, यूनिवर्सिटी नहीं अलीगढ़ थी, तो उन्होंने इनको खत लिखा कि आप यहाँ आ जाइए, आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। इस तरीके से वो वहाँ गए और इनकी वेशभूषा जो है वही थी पुरानी, तो पुरानी वेशभूषा में इनका बड़ा मजाक भी उड़ा अलीगढ़ में, लेकिन अपने नॉलेज के बिना पर इन्होंने वहाँ भी अपना स्थापित कर दिया अपनी प्रायोरिटी और वहाँ भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। फिर वो शायर यहीं से हो गए थे फतेहपुर में, यानी इनकी आयु 10 वर्ष की थी जब से शायरी करने लगे थे, और हमारा ख्याल ये कि शायरी सोच रहे होंगे 4 वर्ष की आयु से, जब वो साहिब हुसैन की बीवी को ताकने जाते थे तो उस वक्त से उनके शायरी उसी वक्त से पनप रही होगी। और क्योंकि वो उन्नाव की सबसे हसीन लड़की थी, औरत थी जो कहिए या लड़की कहिए, तो इसलिए जो है कि उसमें सब कुछ इनको मिल रहा था।
हुस्न के लिए, इश्क के लिए जितना मौका चाहिए वो साहिब हुसैन की बीवी के मिलकर मिला दो। फिर उसके बाद ये आ गए फतेहपुर में, गए एडमिशन हो गया और फतेहपुर में खैलदार मोहल्ले में रहे और कुछ दिनों में सैयदवाड़े में रहे। और जिस मकान में आप बैठे हुए हैं उनकी जो जीवनी है उसमें लिखा है कि ये इसके पीछे कब्रिस्तान है, कि कब्रिस्तान के बगल के मैदान में ये क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। क्लास से गोल होते थे तो यहीं आते थे। तो ये जिस मकान में आप बैठे हैं हजरत वानी यहाँ क्रिकेट वगैरह खेल चुके हैं। तो इसके बाद ये चले गए अलीगढ़, अलीगढ़ में जा करके ये चूँकि इनकी वेशभूषा जो है अजीब टाइप की थी पुराने हिंदुस्तान की, तो ये खादा जान के नाम से मशहूर हो गए वहाँ। अच्छा, जाने लगे। मगर कुछ दिनों के बाद इतना अपना रोल कायम कर लिया कि पूजे जाने लगे वहाँ अलीगढ़ में। पोइट भी थे, सब बातें थी। तो बहरहाल ये कि फिर अलीगढ़ से इन्होंने अलीगढ़ में अपना नाम वहाँ पैदा किया। और फिर उसी वक्त में मूवमेंट चल रहा था आज़ादी का, आज़ादी के मूवमेंट में शरीक हो गए और उसमें भी बहुत बड़े आदमी बन गए आज़ादी। तो ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जेल भी गए, सब कुछ हुआ। और इनकी जो बीवी थी निशातुन्निसा, जिससे इनका इक्की चल रहा था, तो उसकी शादी इनके मामू के लड़के से लगी थी। मगर बहरहाल जब इस किसी और से चल रहा है तो मामू का लड़का पागल है क्या? मामू के लड़के ने जवाब दे दिया, फिर उसकी शादी इनके साथ हुई। देखिए सिर्फ इनकी बीवी जो है इनसे 2 वर्ष छोटी है। हजरत मोहानी जो है ये इनके पैदा हुए 1883 1883 जो जी। हमारी रिसर्च है 1883 में पैदा हुए और 1885 में निशातुन्निसा पैदा हुए। और हाई स्कूल का जब इम्तिहान पास किया रिजल्ट ना निकला था कि शादी हुई। तो ये उस समय 16 वर्ष के थे, इनकी पत्नी जो है 14 वर्ष की थी। तो वो पत्नी भी फिर इतने काबिल बनी, पत्नी की फोटो हमारे पास में हम कहीं भूल रहे हैं। तो यहाँ पर फतेहपुर के साथ पढ़ाई के अलावा कोई रिश्ता उनका था जब वो पोलिटिकली एक इम्पोर्टेंट फिगर बन गए, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए या यहाँ आते रहते? आते रहते। अच्छा। यानी जब ये एमपी हो गए तब भी यहाँ आए। यहाँ के बहुत प्रसिद्ध वकील हैं मतीनुद्दीन उस्मानी, अब उनका देहांत हो गया है, यहाँ आते थे। तो ये हमें बताएं कि इनका अगर हम पॉलिटिकल करियर देखें जी, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी आए जी, मुस्लिम लीग में भी पहुंचे जी, और उसके बाद जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी बन गए जी, जी। ये कैसे चेंज हो रहा था इनका? असल में ये है कि वो जैसे कहा नहीं जाता कि आदमी जो है वो जब किसी सुंदर को देख लेता है तो अति सुंदर में जाता है, तो वो अति सुंदर के चक्कर में पार्टी बदलते रहे। अच्छा। और लेकिन इनका जो एक इनकी विशेषता है जी, वो ये कि निडर बहुत थे, किसी से डर नहीं थे, किसी से दबते नहीं थे। और दूसरी बात ये है कि इनकी जो दरवेशी थी, फकीराना जिंदगी, ये इनकी बराबर रही। यानी एमपी की हैसियत से वो जो उनका लोकसभा उस समय की रही होगी, वहाँ एक मस्जिद थी टूटी फूटी, तो उस मस्जिद में ठहरते थे। एक बख्श उनकी कुल कायनात की, सब कुछ उसी में होता था, वही मस्जिद में ठहरते थे। मस्जिद ही से जाते थे लोकसभा और वहाँ उधर मचाते थे और उसके बाद वही मस्जिद ही था सारी जिंदगी। कहीं नहीं खरीदा, कहीं नहीं रहे, उसी मस्जिद से चले जाते थे, उसी मस्जिद में फिर आ जाते थे। ये और जो आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इनके सिग्नेचर हैं। ये संविधान सभा के सदस्य थे और प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के जी भी ये फॉर्मेशन के टाइम में लखनऊ में मौजूद थे ऐसा कहा जाता है। तो जो इनका जो अगर हम बोलें कि आइडियोलॉजिकल इनकी जो पर्सपेक्टिव था उसको आप कुछ बताएंगे क्या था एग्जैक्टली? ये असल में ये है कि कहीं भी किसी एक शहर में कहा भी है कि हम रसूम व कयूद को नहीं मानते। तो जो आदमी रसूम व कयूद को न मानेगा तो कोई उसके पास कोई और चीज़ रोकने वाली होगी ना। इसलिए वो पार्टीज बदलते थे, जो पार्टी अच्छी लगती थी वो उसी को चले जाते थे। और वो सिर्फ भारत ही में उनकी ख्याति नहीं थी, इन्होंने बहुत से हज किए हैं। तो ये जब हज करने जाते थे वहाँ भी उधम मचाते थे, उधम यहाँ मचाते थे कि वहाँ टैक्स अरब गरीब मुल्क था मालदार है, तो वहाँ जो है ये टैक्स के जरिए वो अपनी कमाई करते थे। हजरत मोहानी वहाँ जा कर के एजिटेशन करते थे, ज़मीन पर लेट जाते थे और कहते थे हम टैक्स न देंगे क्योंकि हम हज करने आए हैं इस्लाम के लिहाज से, और इस्लाम में लिखा है हज करो, ये कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारे हम काले पीने का इंतजाम करें। चुनाच उनको मजबूरन इन्हें कह देना पड़ता था कि हज करो, और बहुत हज किए हैं। कुछ लोग कहते हैं 30 हज किए हैं, बहरहाल हो सकता है एग्जैजरेशन हो,
लेकिन इससे ये तो पता चलता ही है कि किए होंगे जो इन्होंने एक लॉर्ड कृष्णा के ऊपर काफी कुछ लिखा वगैरह कुछ उनकी पोएट्री लॉर्ड कृष्णा को बहुत मानते थे हमारा ख्याल भी है कि उनके धर्म गुरुओं में सबसे बड़े गुरु थे बहुत मानते थे और समझ लीजिए कि लॉर्ड कृष्णा से उनको बड़ा स्नेह था और बड़ा प्रेम था और उनके आचरणों पर चलने का प्रयास करते थे क्योंकि वो आजाद मनुष्य इंसान थे किसी डरते वरते तो थे ना कि पाबंदी हो जाएगी मुसलमानों को ये कर देगा वो कर देगा तो इसी तमाम तमाम चीज़ें रहती और जहाँ तक लॉर्ड कृष्णा का मसला है तो इकबाल जो अभी के हैं कुछ दिन हुए उन्होंने पर बहुत कुछ लिखा है कृष्ण जी पर लिखा है राम पर लिखा है तो जो राइटर होता है वो हमारे ख्याल में ये है कि मजहबी अड़चनों को नहीं मानता उसको जो चीज़ अच्छी लगती है कभी ऐसा हुआ कि जैसे इन्होंने जितना लिखा उन्होंने काफ़ी कृष्ण के ऊपर तो कभी ऐसा हुआ कि कोई मौलाना ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया ये खुद मौलाना थे ना ये खुद फतवा कौन दे और दूसरे का ऐसे मौलाना से जुड़ जाते थे जेल से डरते रहते कई बार ये जेल गए तो कौन मौलाना इनसे भिड़ेगा जब अरब जैसे जो इस्लामिक धर्म का सेंटर कहा जाता है वहाँ के मौलाना आजीद आकर के कह देते थे भाई आप बगैर फीस के हज करो गवर्नमेंट कह देती थी तो ये बड़े जिद्दी किस्म के आदमी थे बहुत ज्यादा वो अटल हो जाते थे अपने ऊपर किसी को सेटते बैठते ना थे तो इनकी पत्नी का बड़ा हाथ है इसमें इसलिए हम चाहते हैं कि हसन रूहानी की कुछ फिगर जो हमने मुश्किल से इकट्ठा की है तो वो आप इस ले रहे ये इनकी जवानी की पिक्चर है ये बड़ा हाथ है देखिए तो और दूसरे हम ये भी चाहते हैं किसी इसी सिलसिले में कि हम आपको इनकी पत्नी जिसने इनको हसरत बनाया है क्योंकि पत्नी रखते बहुत थे तो हसरत जिसने बनाया उसकी भी बड़ी दिक्कत बड़ी मुसीबत इनका नाम तो कुछ और था ना मैं नाम इनका फजलुल हसन हाँ फजलुल हसन तो हसरत मुहानी कैसे बने हसरत मुहानी इनका तखल्लुस है कैसे हसरत वो अपने निजातुन्निसा पर आशिक थे हसरत माने मायूसी इन पर मायूसी छाई थी कि ना मिलेगी मैंने अब मुहानी वाले मायूस हाँ तो ये उस लड़की से मायूस थे निजातुन्निसा मगर चूंकि कहा जाता है ना कि बराबर की जब आग लगती है कुछ नहीं बिगाड़ सकता सारी संसार भी तो आग तो वहाँ बराबर की लगी थी जितनी हसरत में लगी थी उसमें निजात निशा में लगी थी ये भाग के आ जाते थे अब किस्सा ये कि इतनी दूर फतेहपुर भेज दिए गए मगर वो फतेहपुर में उसका कोई है नहीं फतेहपुर में आ गई और रात दिन आंसू बहाना याद है जो उनकी मशहूर गजल है दोपहर की धूप में मेरे पुराने के लिए वो तेरा नंगे पैर आना याद है अब नंगे पैर आना भी जो उस समाज की स्थिति को जानता होगा वो है एक लड़की जब चुरा करके आ रही है कोठे के जरिए आ रही है चप्पल पहन के आएगी तो आवाज़ हो जाएगी इसलिए तेरा वो तेरा कोठे पर नंगे पांव आना याद है तो नंगे पांव आना जो बहुत ही जो लोगों ने सुना गुलाम अली जी की जो गजल थी चुपके चुपके आंसू बहाना याद है वही है वो हजरत मुहानी साहब का लिखा इसी लड़की के लिए लोग को सोचना चाहिए कि कितने उनकी उनकी गजलों की भी जबरदस्त पहर की रूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पर नंगे पांव आना याद है कोठे पर आना नंगे पैर आना कोठे के जरिए आना क्योंकि अगर गली कूचे से आएगी चाहे जितना छुपा के आगे लोग देख लेंगे तो किसी पड़ोस के कोठे से चल चल के इनके पास आ जाती होगी तो ये है तो ये जो हम महल में रहते थे तो पैसे की कमी नहीं थी तो इनके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आए तो क्या इनके संबंध थे कांग्रेस के नेताओं के साथ में नेहरू के साथ में ये सब के साथ इनके बड़े अच्छे मजबूत संबंध थे और सब इनको मानते थे इसके बावजूद भी चाहे ये सब जानते थे कि अड़ियल आदमी है हमसे भी भिड़ सकता मगर इसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू वगैरह बहुत इनको मानते थे और बहुत ही इनकी ले दे भी किया करते थे खुशामद भी करते थे हम दूसरे शब्दों में कहें हालांकि प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता मगर जवाहरलाल नेहरू इस किस्म के आदमी नहीं जवाहरलाल नेहरू पहले मनुष्य थे पहले इंसान थे पहले साधु थे बाद में प्राइम मिनिस्टर उसका उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया प्राइम मिनिस्टर से ये बहुत बड़ी पार्टी है बिल्कुल और उसका कारण ये है कि वो ऐसी फैमिली से आ रहे थे कि उनको ख्याति की जरूरत न थी आपको इसी सिलसिले में बताऊँ हजरत मुहानी ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो हैं वो जब कश्मीर से आए हैं तो पहले आए यहाँ क्योंकि बाकी एजुकेट थे फतेहपुर में नहीं फतेहपुर नहीं पहले आए कानपुर अच्छा और कानपुर में समझ लीजिए कि इनके हमारे काल में पिताजी के पिता आए होंगे क्योंकि ये पढ़े हैं ग्रेजुएट कॉलेज में
जिस वक्त हम अरशद कादरी में पढ़ रहे थे बीए में थे, तो जब मैगजीन निकली है उसमें, तो उसमें इनकी एक एप्लीकेशन थी इनके पिता की जवाहरलाल नेहरू जी की, उसमें वो अपना तरक्की चाहते थे दर्जे 3 से 4 में, तो लिखा है कि मुकादा करा लीजिए, हमारा इम्तहान ले लीजिए, हमको दर्जे 4 में प्रमोट कर दीजिए। तो उसके बाद फिर वो गए हैं, वकालत पहले यहीं की है कानपुर इनके पिताजी ने, इसके बाद फिर गए हैं इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद उनको चमक गए बहुत ज़्यादा। मौलाना की प्रमोशन एक एक साल में कितने कितने बार हुए? ये आप समझ लीजिए कि 3 साल में उन्होंने दर्जा 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 8 क्लासेज इन्होंने ले लिए हैं सिर्फ 3 साल में। उनके सामने कोई इनकी हैसियत नहीं थी, वो थर्ड क्लास स्टूडेंट थे, टॉपर थे, तो ये टॉप हमेशा किए, तो टॉपर की वजह से उनको प्रमोशन मिलता था, और दूसरे वो चैलेंज करते थे, वहाँ इम्तिहान दे दिए, इनकी परीक्षा होती थी, उसके बाद प्रमोट कर दिया। कभी कभी साल में 2-2 प्रमोशन इनको मिले ना, 2-2 क्लास राखियाँ, तभी तो इतनी बड़ी मुद्दत, यानी कितने की होती, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 8 वर्ष की मुद्दत है, और इन्होंने 8 वर्ष की मुद्दत 4 वर्ष इन्होंने ले ली। इनका जो एक फोटो आता है बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में, तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कुछ इनके रिलेशन के बारे में आप पता है कैसे थे क्या? बाबा साहेब अम्बेडकर को ये इतना मानते थे कि ये जो अपने गुरु की लिस्ट है, वो इन्होंने अपने जो दीवान हैं इनके, इनके 10 दीवान शायद हमारे पास हैं, तो 10 दीवान में हर एक दीवान में वो जो टॉप के लोग इनके निगाह में होते थे उनको उनको लेते थे। अच्छा। तो इसमें सबको लिया, इनको भी लिया। कौन कौन है इनको जैसा का 10 दीवान में? ये तो आपके पास कुछ जानकारी हो तो? हाँ नहीं तो उस जमाने के जो टॉप थे, जैसे तिलक को लिया है उन्होंने, गांधी जी को तो कई मरतबा लिया है। अच्छा। उन्होंने फतेहपुर के कुछ लोगों को लिया है। अच्छा। हाँ तो इस तरीके से इन्होंने उस जमाने में जिससे भी वो मुतासिर होते थे, बशर्ते कि इस शर्त के साथ, इस प्रतिबंध के साथ के वर्ल्ड भी उसको मानता हो, जी जी उसको लिया है उन्होंने, ये भी मानते हो, ये तो इनके बहुत साथी थे। हाँ ये लोग बोलते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के साथ काफी अच्छे थे। नहीं बंगाल जो है लड़ाने के लिए इलेक्शन ये भी ले गए कम्युनिस्ट से, इन्होंने इन्होंने गठबंधन किया, और उन्होंने उन्होंने थर्ड से भी लिए हैं उनसे। हाँ तो अभी आपकी एक किताब आई है हिंदी की प्रथम रचना मुल्ला दाऊद दलमई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण का शोध है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप हमको कुछ बताएं कि क्या ये किताब है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मुल्ला दाऊद रहने वाला है, इसकी मदर टंग है पर्शियन, और फिर पर्शियन और अरबी का एक शब्द भी ना आवे जो आज भी असंभव है, मध्य नज़र हम बोलते ही हैं जी, तो आज भी असंभव है। हमने तो इस किताब में चैलेंज किया है कि ऐसी हिंदी कोई आज भी नहीं लिख सकता, यानी हम चूँकि अरबी फारसी और संस्कृत हिंदी हम सब जानते हैं, अंग्रेजी सीखा था साहित्यकारी महमूद अली, उन्होंने हिब्रू हमको पढ़ाया था, तो ये सब लैंग्वेजेस हम जानते हैं, उसके कारण हम ये खुद दावा कर रहे हैं कि इस चंद्रायन में एक शब्द भी आपको नहीं मिलेगा, यानी दावा इस तरह है कि अगर किसी अरबी के शब्द को इन्होंने यूज़ किया मजबूरन, तो उसको उन्होंने हिंदुआ लिया, यानी हिंदी बना लिया, जैसे वजीर ये फारसी शब्द है, इनको उन्होंने उजीर कर दिया। अच्छा। तो इस तरीके से कोई शब्द अगर हिंदी और अरबी और फारसी का इनका लिए हुआ है कि हम जिससे छूट नहीं सकते, कोई शब्द हमें नहीं मिल रहा उससे पैरेलल, तो उन्होंने फिर उसको हिंदुआ लिया, यानी उसको हिंदी बना लिया, तो जैसे वजीर से उजीर कर लिया, इन्होंने इस तरीके से इन्होंने किया। वैसे इनका जो ये दावा है कि कोई शब्द हमें नहीं इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल सही है, और हमने शुरू में हम भी कन्फ्यूज़ हुए थे, शुरू में हम इसको उर्दू की पुस्तक मानते थे, इस तरह मानते थे कि ये इसी से निकली है, और ये सही भी है कि उर्दू कोई भाषा नहीं, वो हिंदी से निकली है, लेकिन हम हिंदू की को पहला शेप समझते थे उर्दू का, लेकिन जब हमने चंद्रायन को पढ़ा कई बार पढ़ा, तो इन्होंने खुद कहा कि ये हिंदी है, हिंदू की लिखली पर वो तुर्की लिखली हिंदू की गाड़ी, ये हिंदू की है, इसीलिए हिंदी का पहला नाम हमारे नज़दीक हिंदू की है, उसके बाद हिंदी हुआ, उसके बाद हिंदी हुआ, और उर्दू तो बहुत बाद में हिंदी के बाद में, क्योंकि उर्दू हमारे दृष्टिकोण से उर्दू से हिंदी से निकली है,
और उन्होंने किया क्या है, उर्दू वालों ने ये किया है कि अच्छी खासी जो भाषा चल रही थी भारतवर्ष में, उन्होंने ये किया है कि अपने अपने देश को जहाँ से ये आए थे, हमारा ख्याल ये कि पुराना जितना बादशाह था वो अपने को हिंदुस्तान का मानता वानता नहीं था, इसीलिए वो चंगेजी वजी इस किस्म के लिखते थे। तो इसीलिए इन्होंने जो है वो हिंदू की जब लिखी तो फिर अरबी फारसी का कोई शब्द नहीं आया। हालांकि इसमें थोड़ी सी बात ये बड़ी आश्चर्यजनक है कि ये जो है खुद इनकी मदर टंग पढ़ी है, 15 साल तक वो बरसई में रहे, उसके बाद ही भारत आए, अभी भारत में उन्होंने हिंदी फिर ऐसी सीखी कि वो हिंदी के पहले कवि बन गए। इससे पहले इस तरीके से किसी ने कविता नहीं की, वो पूरी किताब जो है प्रस्तुत करती है, जो पहली किताब अफसाने थे, शॉर्ट स्टोरीज थी, हिंदी में चल रही थी, लेकिन किसी ऐसी पुस्तक हिंदी भाषा में लिखना जिसमें कोई शब्द ना हो, ना अरबी का ना फारसी का, समाकाल में हमने तो इस पुस्तक में लिखा है, ना कोई जमाने में लिख पाया था ना आज भी लिख पाया, तो कोई ना कोई शब्द अरबी फारसी का हम बोल जाएंगे अनजाने में। जी जी, तो ये एक बहुत अच्छी शोध है जिसको पढ़ना भी चाहिए कि हिंदी और उर्दू दरअसल एक ही जगह से निकलते हैं और एक ही क्षेत्र में भी हैं। कई लोग भाषा के नाम पर जो है विभाजन की प्रक्रिया अपनाते हैं, भाषा के नाम पर उर्दू को ये बता दिया जाता है कि वो बाहर से आई हुई भाषा है, दरअसल उर्दू तो हिंदुस्तान से निकली हुई जुबान है। और जैसे कि आपने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया, उर्दू कहीं नहीं बोली जाती, सिर्फ हिंदुस्तान में बोली जाती है। और इसमें जो मूल है, यानी हम भाषा का जो साहित्य का जब हम पहचान बताते हैं तो उसकी ग्रामर से बनता है, कहाँ पर क्रिया है, कहाँ पर कर्म है, कहाँ पर कर्ता है, कहाँ पर विशेषण है, कहाँ पर विशेष है, ये सब के सब हिंदी का, और हिंदी उसमें मेन है, यानी जाता हूँ, फिर खाता हूँ, तो ये सब जो है वो जितने भी क्रियाएं हैं वो सब हिंदी की हैं, सिवाय एडजेक्टिव्स के। तो ये इनकी बदमाशी थी बाहर वालों की कि उन्होंने एडजेक्टिव्स अपने इसमें दे दिए हैं, बजाय इसके कमाल जो भाषा चल रही थी जो संस्कृत से निकल के आई थी, तो उसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते जैसे किया गया। तो इस तरीके से एक भाषा खड़ी हो गई जो बरहाल चल नहीं पाई, और वो भी अब विवश हो गई कि हिंदी की शब्द प्रयोग करें, बहुत आज की जो वो हिंदी मिश्रित है, बहुत मीठी जुबान है, और बिना उर्दू के हिंदी नहीं चल सकती और बिना हिंदी के उर्दू नहीं चल सकती, और हिंदुस्तानी इसीलिए हम बोलते हैं कि हिंदुस्तानी जुबान है। पहले उसका नाम हिंदुस्तानी था ही, हमारे में अगर हिंदुस्तानी रखते तो कोई झगड़ा ही ना होता। जी जी, बिना वजह उसको उन्होंने, वो गांधी जी ने हिंदुस्तानी ही बोला था, वो तो थी ही, जिसको हिंदू मुसलमान सब बोले वो हिंदुस्तानी है जी। उसको आप रेख्ता कहिए, ये कहिए, वो कहिए, और रेख्ता तो इस वक्त रेख्ता जो है एक इदारा बन गया है जो जी जी का बहुत अच्छा चल रहा है। आप अगर दिल्ली में आए तो वो तो इतना उस समय लोग, इतना पब्लिक आती है सुनने के लिए, जानने के लिए, किसे पता चलता है कि उर्दू के प्रति लोगों का बहुत मोह है। क्योंकि अगर अगर मतलब जो आपने हसरत मोहानी जी का कहा कि भाई रोमांस रोमांस के कभी उनको बोल सकते हैं हम, तो वो उर्दू नहीं होती तो शायद हमारी इतनी खूबसूरती नहीं आती मोहब्बत के गानों। मैं समझता हूँ कि मैं वही प्रेम मोहब्बत और मोहब्बत का तस्करा करना औरत, ये एक नई चीज जो सही है बिल्कुल, कि हमने मर्द को हक नहीं दिया कि मोहब्बत करे, औरत को भी हक दिया मोहब्बत करे, और बल्कि हमारा औरत ही जो है वो पहल करती है। और तो ये जो है दूसरे लिटरेचर में नहीं है, दूसरे लिटरेचर मर्द आदमी है, मर्द ही मोहब्बत करता है, मैं औरत ने भी मोहब्बत किया, और बिल्कुल औरत ही से पहले इब्तिदा होती है। इश्क माशूक के एक शेर भी है कि इश्क पहले माशूक के दिल में पैदा होता है, फिर आशिक के पास जाता है, इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मिशवत, ये परकियन का शेर है। अच्छा, और जो हमारे हिंदुस्तान में और जगह मर्द हावी है, हमारे यहाँ औरत हावी है। तो इस ये जानना चाहते हैं कि फतेहपुर में जो है मौलाना हजरत मोहानी को लेके कोई स्मारक नहीं, कोई भी चीज़ नहीं, कोई उनकी जो होना चाहिए, क्योंकि संविधान सभा के भी सदस्य थे, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर होने के बावजूद, इतने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन से जुड़े होने के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर होने के बाद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक होने के बाद, जिस आदमी के नाम के आगे इतने सारे तगमे लगे हों, इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग में भी वो थे, तो उनके नाम पर उनके शहर में कुछ भी नहीं है, ये एक बड़ी दुखद बात है। हाँ, बड़ी दुखद बात है, और ये न होना इस बात की दलील है कि हमारे फतेहपुर में मर्दुम शनासी नहीं है,
लोग पहचानते नहीं कौन बड़ी बात है, जैसे उर्दू ही भाषा कौन ले रहे, जैसे उर्दू भाषा में यहाँ पैदा हुए नियाज पैदा हुए हनुमान फतेह पूरी, यही जो है कि पाकिस्तान में जाकर बहुत बड़े आदमी बने। और यह अभी हसवे के एक है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जामिया के प्रोफेसर से हुए, उनको फतेहपुर से इतना प्रेम था क्योंकि उनका हमारा साबका पड़ता था रिसर्च कमेटी, हम भी रिसर्च कमेटी के मेम्बर थे वो भी, मगर आप समझ लीजिए कि वो आदमी फतेहपुर से इतना प्रेम, मुजफ्फर हनफी, मुजफ्फर हनफी नाम है उनका, इतना प्रेम था कि फतेहपुर का कोई स्कॉलर रिसर्च का गया है और एग्जाम हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसको फेल करें, तो कहते नहीं मेरे फतेहपुर का है, आप ध्यान दीजिए इसको, फिर पूछ लीजिए दो चार सवाल, शायद आप न पहुँच पाए हों इसके नाले पे, बस हम समझ जाते थे कि पास कराना चाहते हैं, दो चार सवाल ऐसे उसका जवाब दे दें, तो फिर हम लिख देते थे कि डिग्री दी जा सकती है, डिग्री में भी अवार्डेड, ये लिखी जाती है। यही मैं जानना चाहूँ क्या होना चाहिए फतेहपुर में, जो एक एक हमारा जो इतना बड़ा हिस्ट्री है, जो इतना बड़ा इतिहास है, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये है कि यहाँ मालदार आदमी की वैल्यू है, विद्वान आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ ये दुखद है कि विद्वान की नियाज पैदा हुए, यहाँ नियाज फतेहपुरी पैदा हुए, फरहान फतेहपुरी पैदा हुए, अभी अख्तर भाई इनका नाम नहीं ये मुजफ्फर हनफी पैदा हुए, हिंदी में सुहानलाल द्विवेदी पैदा हुए, निराला भी इनकी पत्नी यहीं की थी, इसीलिए निराला का स्मारक यहीं बना है दरगाह में, तो निराला जी विद्यार्थी जी पैदा हुआ, हाँ तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आप देखिए कि प्रेमचंद के ससुराल यहाँ है, अच्छा चलो इस नाते तो फतेहपुर को उठाना चाहिए था कि ससुराल है यहाँ फतेहपुर में, ज्यादा टाइम गुजारता है, चंदायन ये जो है वो हमारे सामने एक बात, एक ये भी है, दो थ्योरी आई, एक बात ये है आई कि दरमऊ फतेहपुर का है, एक थ्योरी आई कि दरमऊ जो है वो रायबरेली का, तो फिर उस पर हमारा ध्यान इस पर गया कि कुछ हम इसमें काम कर सकते हैं, अगर हम हमको प्रथम कापी मिल जाए, यानी जो अवेलेबल है वर्ल्ड में, तो प्रथम कापी जो अवेलेबल है वर्ल्ड में वो है ग्रेट ब्रिटेन में, फोर्ट विलियम कॉलेज में रही होगी, उठा ले गए होंगे वहाँ, तो ये तो हमने अपने एक हमारे मित्र हैं यहाँ अमरीका यूनिवर्सिटी में, वहाँ उर्दू और हिंदी के दो डिपार्टमेंट हैं, एक होता है हेड ऑफ दी उर्दू एंड हिंदी डिपार्टमेंट, तो डॉक्टर डैनियल एक है, हमने उनसे लिखा कि हमको ये किताब की टाइटल पेज जिसे पे चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इसमें समय तो लगेगा, हमने कहा लगने दीजिए, हमें रिसर्च कर रहे हैं और हो सकता है कि हम सफल हो जाएं उसको देखने के बाद, ये आ गई हमारे पास, यही टाइटल आ गया, तो आप इसमें देखिए गौर से देखिए, ये है किला है ना दरमऊ का, और ये है गंगा जी, तो फतेहपुर में हुआ कि ना हुआ, अब क्या पोजीशन है, पोजीशन ये कि किला उधर चला गया और गंगा जी इधर आ गई है, फतेहपुर इधर आ गया, और दूसरे ये कि इसमें एक विलेन है जिसकी हत्या होती है असोथर में, तो इससे ही पता लगता है कि फतेहपुर ही सब कुछ है, क्योंकि असोथर में विलेन कैसे भाग जाकर इनकी गंगा पार करके, और यहाँ तो गंगा है ही नहीं, गंगा जी तो हमारे उस पार है, तो इसलिए हमने इससे सिद्ध किया है कि जब गंगा उस पार है तो किला हो गया फतेहपुर, और इसी में कुछ लोग कंफ्यूज हो गए राइटर, कुछ लोगों ने कहा कि राजा डालदेव ने दो किले बनाए, एक किला बनाया फतेहपुर में, एक किला बनाया उसने रायबरेली में, जो गलत है, और गंगा जी ने रास्ता बदला है, उसका हिस्टोरिकल फैक्ट हमारे पास है कि गंगा जी ने रास्ता बदला, नाना साहब के जमाने में रास्ता बदलना शुरू कर दिया था गंगा जी ने, तो वही कानपुर से बदला है धीमे धीमे करके, फिर यहाँ आकर के। आपने जो बात बताई है उससे तो ऐसा लगता है कि फतेहपुर को जो है एक लिटरेरी कैपिटल होना चाहिए, इतने सारे लोग आपने नाम गिना दिए, इनसे लेकर के हसरत मोहानी से लेके निराला सुगंधा, सबसे बड़ी बात है इतने सारे लोग, उर्दू वाले चंदायन उर्दू वाले अपना कहते हैं, हिंदी वाले अपना कहते हैं, हमने दोनों पर काम किया, उर्दू पर भी हमारे दो पुस्तकें चंदायन पर, लेकिन जब हमने इसको कई बार पढ़ा तो हमको पता लगा
कि ये थ्योरी गलत है कि उर्दू की पुस्तकें, क्योंकि इसका जो राइटर वो कहता है हिंदी तुर्की लिख ली हिंदू की गाई, यानी हमें उसका जो लिपि हमने की है वो तुर्की कर दी है, यानी कि पुस्तक जो पहले मुल्ला दाऊद ने लिखवाई है वो पर्शियन लिपि में लिखवाई है, लेकिन भाषा जो है वो भाषा साहित्य हिंदी का है। जी, तो हमने इसमें ये भी कहा है, हालांकि हमारा इंटरव्यू तरफ बड़ा होता जा रहा है, लेकिन जरूरी है बताना, हमेशा ग्रामर से तय होती है क्रिया क्या है, कर्ता कौन है, कर्म क्या है, विशेष कौन है, विशेषण कौन है, इससे तय होती है, और इसका ये पूरा की पूरा जो ढांचा है इनका हिंदी का, इसीलिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो खुद कह रहा है कि तुर्की लिख ली हिंदू की गाई, वो इस जबान को हिंदू की कह रहा है, तो हम ही क्या राइट है कि हम कहेंगे नहीं, इसीलिए हमने निर्णय किया है बाद में, और हमने इसी पुस्तक में लिख दिया हिंदी वाली में, कभी तक हमारे जितने मत आपको दूसरी पुस्तक में मिले हम उसका खंडन करते हैं, उनको निराधार करते हैं। तो बहुत अच्छा आपने बताया, ये तो इतना बड़ी बात है इस जिले के लिए, जो मैंने कहा कि जिले ने बहुत बड़े बड़े नाम दिए और जिले में एक कोई स्मारक भी नहीं है किसी का। जी, जी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने इतने नाम गिनाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर आप इस सारे जो लिटरेरी पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके नाम गिना के सरकार से हम चाहेंगे कि वो कम से कम उसके नाम पर स्मारक। सबसे पहले तो ये है कि यही आता है जो हिंदी का भी पितामह है और उर्दू वाले कहते हैं हमारा भी है, लेकिन चूंकि ये कह रहा है कि तुर्की निकली हिंदू की गाई, तो वो खुद ही इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि ये हिंदू की में लिख रहा है। और अच्छा, हम एक बात और आपको इसको बता दें कि चूंकि ये ईरान का आदमी था, ये बात बाद में काबुल का हो गया, तो ये बात तो सही है कि उसकी मदर टंग तो वही थी, लेकिन ये भी कमाल की बात है कि वो इतना ज़्यादा मास्ती कर ली कि हिंदी की कभी पुस्तक लिख दे, ये भी मौला दाऊद के बड़ी विद्वता का द्योतक है, तो ये भी बड़ी बात है कि वो, और फिर एक शब्द अरबी फारसी के नाम है, इसने प्रण लिया था अरबी फारसी ना आएगी, इसीलिए वो कह रहा है हिंदू की गाली, जब वो खुद इसको हिंदू की कह रहा है। और इसमें एक बात और हम बता दें, शायद बहुत से लोग इसको ना जानते होंगे, कि ये हिंदू की शब्द जो है वो ज़्यादातर फॉरेन का दिया हुआ है, क्योंकि ये हिंदी जो है वो हिंदी को हिंदू किया है और हिंदू से हिंदू की कर दिया है, जो हमारे यहाँ पर नहीं बोला जाता, लेकिन वहाँ बोला जाता है। अरब में हिंदी की जमा जो है हनादी का आता है, हिंदी जब हम लोगों को कहते हैं जो भारत में रहता हो, हनादी अरबी वाले कहते हैं उसको, जो बहुत ज़्यादा एक समूह हिंदुस्तान के लोगों का जो टॉप का हो उसको हनादी कहते हैं, तो ये खुद ही इस बात को मान रहा है। और फिर हमारे लिए तो फतेहपुर के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारा अपना व्यू ये है कि दलमऊ जो है ये यही था, और दलमऊ में इसीलिए दलमऊ का जो इसको कैपिटल बनाए हुए थे ये अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद जो बादशाह हुए फिरोज शाह वगैरह, तो और उसके बाद ये उधर से कले को बनाए थे, इधर से खजबा को बनाए थे, इस तरीके से फतेहपुर को बड़ा महत्व है। और जहाँ तक राइटर का सवाल है, तो प्रेमचंद जी की ससुराल यही है, निराला की ससुराल भी यही दलमऊ में है, और निराला दलमऊ में बराबर रहे, निराला की स्मारक बना हुआ है जी। और समझ लीजिए सोना द्विवेदी जी का, अब वो एक डिप्टी कलेक्टर यहाँ आए थे, अभी के शायर भी थे, उनकी पत्नी के वहाँ बैठ हुई हुई है, जब हम लेने गए थे ये डिप्टी कलेक्टर थी, यहाँ रह चुके हैं, और दलमऊ को उन्होंने ही बनाया, दलमऊ वाले जो है उनको याद रखें, उनका भी स्मारक बनाया, वो हमें याद नहीं आ रहा डिप्टी कलेक्टर का नाम, मुसलमान डिप्टी कलेक्टर हैं, तो समझ लीजिए कि उन्हीं की भूमि भी दी हुई, जितनी भूमि इन लोगों के पास है, ये निराला समाधि, निराला की जो समाधि बनी हुई है वो सब उन्हीं की दी हुई, वही लोग बता रहे थे। तो निराला जो है उनकी पत्नी है यहीं की है, दूसरी बात उसी पत्नी के कारण यहाँ रहते थे, और निराला के लिए प्रसिद्ध है कि उसकी प्रकोती भी आई थी, उससे भी हमारी भेंट हुई है, जो हमें ये इनाम मिला है, तो उनकी प्रकोती से भी भेंट हुई, बल्कि चूँकि हमारी लड़की जो है वो भी हिंदी में PhD किया है और इंशाल्लाह पर किया है, उसमें बड़ी लड़ाई भी हुई है, आधा कॉलेज हमारे साथ चला गया है, तो इत्तेफाक की बात है, ईश्वर को करना था, तो इसका रिजेक्ट कर दिया था, इसका टॉपिक ही कि इंशाल्लाह खान की इतनी
अच्छी जो पुस्तक है रानी कहती कहानी, मुश्किल से 20-22 सभी की सब पीएचडी कैसी होगी। तो फिर हमारे जितने यहाँ गए थे उसमें हमारे गुरु अवस्थी जी भी थे, तो लोग लड़ जुड़ गए और हमसे कहा बताइए कैसे होगी। हमने कहा कि आपको ये पता है कि इंशाल्लाह अपना कितनी भाषाएँ जानता था। तो कहें नहीं पता, जो उसके हेड थे। तो हमने कहा आप ये बताइए, हम आपको बता रहे हैं कि 52 लैंग्वेज बनता था, अगर एक एक लैंग्वेज पर हमने 4000 पेजेस भी लिखाए तो कितना हो गया। और फिर इन पर लिखाएंगे ना लिखाएंगे, फिर हम कहानी पर लिखाएंगे, फिर हम निषिद्ध करेंगे कि गद्य का जिस तरीके से पद्य का चंदायन चंदायन को भी ना जानती थी उसी यानी कि हमको ये बड़ी खुशी हुई कि पद्य का जो पहला राइटर है वो भी वही आपके यहाँ का है। हमने कहा हमारे यहाँ का है। तो और गद्य पद्य दोनों का हमारे यहाँ का हो गया। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह खां क्योंकि फतेहपुर से करीब है तो हम उनको लिए लिए थे अपने ही में, यूपी में कम से कम आई है और उनका पूरा जीवन का कुछ सिर्फ 2-3 साल दिल्ली में रहें, बाकी वो ये लखनऊ में रहें। तो इन्होंने ये दावा किया कि एक शब्द ना आएगा अरबी परचम का, चुनांचे वैसी हिंदी भी आज तक कोई नहीं लिख पाया, एक शब्द ढूंढने से ना मिलेगा। क्योंकि जब उसने दावा किया तो जाहिर है कई मरतबा पढ़ लिया होगा तो कोई शब्द ना आने पाए। तो इस तरीके से गद्य का जो है वो भी यही कहा है और पद्य का भी यही कहा। पद्य का चंदायन हो गई इनकी मुल्ला दाऊद की और गद्य के उनका हो गया इशारा का, क्योंकि इस दावे के साथ किसी ने जो है गद्य नहीं लिखी कि हम एक शब्द भी ना आने देंगे। ये देखिए बहुत बड़ी बात आपने बताई और साहित्य के लिए लिटरेचर के लिए फतेहपुर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बता दो जी भाई साहित्य को बचाने के लिए थोड़ा सा बता दें कि इतनी इतनी बड़ी जो पर्सनालिटी आई है मुल्ला दाऊद को हम यही का मानते हैं जी। निराला भी समझ लीजिए कि बिल्कुल समीप पड़ती है, न गंगा इस पार उस पार का झगड़ा है खाली और कुछ नहीं है। और तो ये हो गए प्रेमचंद का ससुराल ही यही है। और फिर सबसे बड़ी बात हम बताऊँ कि सिर्फ अभी पहले हिंदी जगत के लिए सोहनलाल द्विवेदी यही के और उसके बाद ये न्यास फतेहपुरी यही के हैं और उसके न्यास फतेहपुरी तो फतेहपुर की जो पूरा एक आपने इतनी चर्चा की तो हम चाहते हैं कि फतेहपुर एक सांस्कृतिक केंद्र है, साहित्य का केंद्र है जी जी। और अगर यहाँ पर कोई ऐसी प्रक्रिया शुरू हो या ऐसा कार्यक्रम यहाँ के स्थानीय चाहे सरकार करे चाहे लोग करें तो क्या होना चाहिए जहाँ सब पे सबकी चीज़ें लोग पता चले कि ये शहर एक ऐतिहासिक शहर है। ऐतिहासिक शहर है, इसमें देखिए कि जो विद्वानों का हम बता रहे हैं कि अरबी का एक विद्वान है जो अबुल हसन अली नदवी के पिता हैं। अच्छा। तो समझ लीजिए कि वो सिवाय मदरसे खान फतेहपुर के कहीं नहीं पढ़े और वर्ल्ड में इनका नाम है, अली मियाँ का भी नाम है। अली मियाँ के फादर यहीं के थे? हाँ यहीं, मैं अली मियाँ भी इनकी सरकार यहीं की हंसपे की, इसीलिए अली मियाँ भी यहाँ बहुत आते थे। अच्छा। और आपको बता दें कि जब हम नदवी पर किताब लिख रहे थे तो हमने इंटरव्यू के लिए इनसे कहा, ये आए हुए थे तो बड़े बड़े लोगों ने भी इनसे कहा था, हमारे उस्ताद ने भी कहा था कि हम इंटर आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमको बुलाया बाकी कह दिया जहानाबाद चल रहा है वहाँ आ जाएगा। तो हमने उनका इंटरव्यू लिया था करीब 1 घंटे और उसी पर हमने किताब भी लिखी है जो कई मरतबा छप चुकी है। नदवे ने खुद छापा इसको, नजरतुल उलूम महादेव भवान उस पुस्तक का नाम है। तो वर्ल्ड के इतने दो बड़े बड़े आदमी हमारे यहाँ यानी अबुल हसन अली नदवी और उनके पिता, और उनके पिता ये नदवा यूनिवर्सिटी है इसके जो हैं इसके जो है संस्थापक भी यही हैं और इनको नाजिम आला उर्दू में इनको दिया था पोस्ट, इनको फतेहपुर के बुजुर्ग है आके जहरुल इस्लाम साहब और वही है, उन्हीं को हमने मुहादी को बानी अपनी किताब जो हम आई है नजरतुल्लाह मुहादी को बानी उसमें उन्हीं को हमने बानी माना है मुहादी को माना है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि लोग इसका जवाब देना चाहते थे तो अभी मैंने कहा कि इसको आकाष्ट पुस्तक है आप इसका जवाब नहीं दे सकते, ये खुद गए हैं हमारे, उन्होंने कहा भतीजे को खंडन किया है मगर वो अपने एक तजबे से खंडन किया है जिसको इन्होंने खुद पढ़ा है उसके नकल दे दिए। तो अबुल हसन अली नदवी भी इस तरीके से यहीं हुए, वर्ल्ड फेमिल के फादर यहीं के हुए, उसके बाद प्रेमचंद की ससुराल यहाँ है, उसके बाद सोहनलाल द्विवेदी हैं ये खुद निराला जी हैं इनके ससुराल भी यहीं थी, उन्होंने ज़्यादा समय यहीं गुजारा है। ये सब बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं ये फतेहपुर में हैं और अरबी की उर्दू की पैदा जो मैंने आज फतेहपुरी यही हैं
जो इनको सिखा रहे हैं, पाकिस्तान इनको खिताब मिला है डॉक्टर फरमान फतेहपुरी, वो भी यहीं के हैं। और उसके बाद ये है कि अब्दुल रहीम रहीमा यहीं के। अब्दुल रहीम रहीमा की खासियत ये है कि वर्ल्ड में एक एक पंक्ति में, एक काव्य पंक्ति में तीन भाषाओं का तो इस्तेमाल हुआ था, चार भाषाओं का ना हुआ था। तो हमारा अब्दुल रहीम रहीमा है जो मदरसे खां फतेहपुर के ये में पढ़ाते थे, तो उन्होंने लिखा है और उनको हमने इस पुस्तक में भी, जो जिस पर हमारी पीएचडी है उसमें भी हमने दिया है उर्दू शायरी में, नात में, और उसके बाद दो चार पुस्तकों में हमने उनका तस्करा किया अब्दुल रहीम रहीमा का, कि उन्होंने एक काव्य पंक्ति में चार भाषाओं का इस्तेमाल किया है। तो ये नई चीज़ है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। जब ऐसे ऐसे हीरा यहाँ पैदा हुए हैं तो इनको उजागर होना चाहिए था। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो गवर्नमेंट ने इस तरह रुख नहीं किया, यानी वीपी सिंह यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, हमने उनको एक पुस्तक भेंट की थी जो फतेहपुरी पर थी, और उसका भी एक अजीब वाकया कि हम जा नहीं सकते थे, तो एक आदमी था जो अपने को दरोगा कहता था, हालांकि नहीं थे, क्या नाम था उनका, जो इलाहाबाद में इस वक्त हैं, तो वो हमको ले के गया। और ले के जब गया, और जब मजमा जहाँ से ख़त्म होता था, जहाँ से पुलिस आती थी, तो उसने हमसे कहा दौड़ दो वी पी सिंह के पास। वी पी सिंह इत्तेफाक से जहाज पर बैठने जा रहे थे, वही क्या है हेलीकॉप्टर पर, तो वी पी सिंह वहीं ठहर गया, पुलिस वाले सब ठहर गए दरोगों का, खुद अपनी जगह पर। जब उन्होंने देखा वी पी सिंह वही ठहरे हुए, फिर हम उनके पास गए, उन्होंने हमारे हाथ हाथ फेरा, हमने उनको पुस्तक ये भेंट की, फिर थोड़ी देर खड़े रहे, फिर हम चले आए। तो इस तरीके से एक मरतबा इसी तरह इंदिरा गांधी भी उसमें हम पहुँच गए, हमें नहीं पता था कि टीम काम करना पड़ता है। जब इंदिरा गांधी से मिलोगे इत्तेफाक जब पहुँच गए वहाँ, तो उस वक्त हम वकालत कर रहे थे एडवोकेट, तो श्याम सुंदर पांडे ये अध्यक्ष थे हमारे उसके, और कांग्रेस के ये भी अध्यक्ष है, उन्होंने अपना बिल्ला निकालो हमारे लगा दिया, वहाँ कैसे आ गए, हमें कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि आपके इसकी वजह से पुलिस नहीं पकड़ी कि आप कहीं दबे, आप जानते ही नहीं थे कि कार्ड वार्ड चाहिए, तो आप चले आए, इसलिए चले आए, कोई नहीं चेहटा पाया आपको, और दौड़ के आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप कोई आदमी है, इंदिरा गांधी इतवा से खड़ी है हमारी वजह से, वो समझ रहे हैं कि इनका इंतजार कर रहे हैं। तो कहा इस तरीके से काम चल गया, लेकिन वो इतना हमें चाहते थे शांतन पांडे जी, कि उन्होंने अपने वो अध्यक्ष थे जिला अधिक फतेह बोल के, वो कार्ड वो लगा दिया हमारे बजाय अपने, उनको कोई पूछता ही ना, अगर हमको पूछ सकते थे तो कार्ड ही लग गया, कार्ड देख के कोई ना पूछेगा। तो ये लोग ऐसे थे, लेकिन ये कि आप देखिए कि इतने बड़े बड़े लोग फतेहपुर में हुए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा मुद्दत रहे हमारे साथ में जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी खागा से लड़ते थे, जो फतेहपुर लड़ते थे सारी जिंदगी यहीं से लड़े, खागा वाली खागा आते थे। तो इतनी बड़ी ख्याति कि हम प्राइम मिनिस्टर यहीं का हो चुका, और हमारे यहीं से लड़े ये वीपी सिंह लड़े। और वीपी सिंह हमको ये सौभाग्य प्राप्त थे कि वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से आए थे यहाँ, इनकी बाजार में छोटी बाजार में लाला बाजार कहते हैं से, तो ये जब आए तो फिर हमारे घर भी आए, जब हमारे घर आए तो समझ लीजिए कि पूरा हमारे मोहल्ले की सारी गलियाँ भरी हुई थी। हम हाल वो पुराने घर में जहाँ हम रहते थे, तो हाल बहुत बड़ा था लेकिन सब भरे हुए थे, और उस वक्त एमपी की पोस्ट खाली की थी लियाकत साहब ने इनके लिए, तो लियाकत साहब इनकी टाइम की अहमियत दिखा रहे थे। हमने वीपी सिंह से कहा कि आप करिए तो चाय बने, तो कहें सर में दर्द है, बिल्कुल बनाओ चाय। हमने कहा उसे ग्रीन लेवल में ज़्यादा टाइम लगे, कहे लगने तो टाइम, और वो कह रहे थे कि छोड़ो इनको जाने तो बहुत टाइम है तरह नहीं थे। और फिर हमारे उस घर में आज भी जो हमारा पटा हुआ है सब, उसमें थोड़ा सा वो सफाई के लिए थोड़ा सा उसमें वीपी सिंह हो सकता था गिर जाते, तो हमने ऊपर से पकड़ा और एक दरोगा जी कूद गए नाली में, तो फिर उन्होंने उनको संभाला, वो हमको मिले भी, कहें हम आपके नाली में कूद गए थे, हमने कहा बहुत अच्छी बात है आप कूद गए थे, कम से कम वीपी सिंह के निगाह में तो आप आ गए थे। तो लेकिन ये कि अब ये तमाम लोग हुए हैं, पॉलिटिकल लोग भी हुए, हिंदी हिंदी के बड़े बड़े स्कॉलर हुए, उर्दू के बड़े बड़े स्कॉलर हुए, ये राष्ट्र कवि थे सोनलाल द्विवेदी। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि इतने बड़े 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 आदमी होने के बावजूद फतेहपुर को वो ख्याति नहीं, ये बेचारे नदवा में जाके बने हैं तो चमके हैं। अली मियाँ यहाँ आते थे, अली मियाँ एक मतलब अपना सुबह नमाज के लिए उठे होंगे, उनको वह न देख पाए, उनका ननिहाल यही है,
नैनियाल के पास मस्जिद है, कुआं में गिर गए, निकाले निकाले गए। तो ये सब चीज़ें हैं। और अली मियाँ की खासियत ये है कि काबे के अंदर कोई नहीं जा सकता, यानी मुसलमानों को जब जहाज करते हैं तो उसको चौकों एक बिल्डिंग है तो उसमें कोई नहीं जा सकता, बहुत ही बड़ कब्रे मसाद अली मियाँ को चाबी दी गई। अली मियाँ तो बड़े बड़े रिस्पेक्टेड करते हैं, बड़े बहुत रिस्पेक्टेड करते हैं। तो मैं क्योंकि यही जब फतेहपुर घूम रहा था तो मेरे को एक ही चीज़ याद आई कि भाई मैं गया आज देखा तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे तो पार्क बना हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे सांसद तो प्रधानमंत्री रहा उसके नाम पे एक गली मोहल्ला भी नहीं है। वो मात्र वो आपका एक कॉलेज है वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि भाई महिला कॉलेज का उद्घाटन जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया प्रधानमंत्री पद पर रहते, लेकिन माँ भी उसका फोटो वोटो कहीं नहीं, कुछ नहीं है। ये दुखद बात है, बहुत बड़ी दुखद बात है। और जो प्राइम मिनिस्टर को भूल गया हो, जो उस जवाहरलाल को भूल गया हो, जो इसके खाका अभी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था, तो क्या कहा जाए। ये हमारे अभाग हम लोग अभाग्य हैं कि यहाँ चाहे राइटर पैदा हो जाए चाहे पहले जितना यहीं छूट जाए, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वजह ये कि हमारे सारे फतेहपुर में धन की पूजा होती है, विद्या की पूजा नहीं होती। विद्या की पूजा होती थी, सब लोग जो फतेहपुर से जाके पाकिस्तान में चमके, दो दो हमारे प्राइम मिनिस्टर यहीं के बने, जवाहरलाल नेहरू तो जीवन पर्यंत यहीं से लौटते रहे, लेकिन इनमें कुछ नहीं हुआ। इसमें दो चीज़ दोनों की कहानी है, कोई साहित्यकार हो या जो कोई पॉलिटिक्स में कोई हो, वो तभी जब चमकता है जब उसको पैटर्नाइजेशन मिले। पैटर्नाइजेशन नहीं मिला और फतेहपुर के लोगों को इसकी फुर्सत नहीं कि वो अपने लोगों को पहचाने। फतेहपुर में वैसे भी है कि विद्या की कमी है, वो विद्या जिसकी पूजा की जाती है वो यहाँ धन की पूजा होती है, विद्या की पूजा नहीं होती। तुम लोग का भाग कि अपने को भाग के समझ रहे हैं। बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, आपने इतनी जानकारी दी। तो ये बात ज़रूर है कि अभी सरकारों की दिलचस्पी और उसी का स्मारक बनता है जो एजेंडे में होता है। आज के एजेंडे में जितने नाम हम लोगों ने गिना है, शायद सत्ताधारियों के एजेंडे में वो लोग नहीं है, बल्कि एजेंडा क्या उनको इतिहास से ही हटाने की पूरी साजिश है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी इतिहास बदल दिया था भारत का, क्योंकि ये क्या वो एक साल के लिए रहे, लेकिन एक साल में उन्होंने 40-45 साल 70 साल के इतिहास को बिल्कुल बदल दिया था राजनीति के अंदर। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े आदमी थे, हजरत मोहानी संविधान सभा के सदस्य थे। तो इतने बड़े लोगों को अगर आज के दौर में हमारे सत्ताधारी नहीं चाहते या उनके नाम से कोई स्मारक बने, तो कम से कम फतेहपुर के लोग तो ये निर्धारित करें कि हमारा कुछ होना चाहिए। अपने इतिहास को बचाने की जिम्मेवारी हम सबकी होती है। सरकारों पर अगर हम इतिहास छोड़ देंगे तो शायद सरकारें अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार उसको मरोड़ती तोड़ती रहेंगी। जरूरी है कि हम लोग इस इतिहास को बचाने की जिम्मेवारी अपने हाथ में लें और इन सभी लोगों के नाम पर कोई स्मारक फतेहपुर में जरूर बने। स्मारक से अधिक जरूर है कि उनके उनका संघर्ष और उनका लेखन दोनों साथ साथ वहाँ पर हो, ताकि लोग इसे पढ़ सकें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जब रावत जी हमारे पास आए और इतनी देर हमारे साथ रहे, ये हमारा सौभाग्य है और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने फतेहपुर को उसकी औकात दिखाई है। और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आपकी हमारी दुआएं कबूल हों और लोग इस तरफ मतवजे हो कि फतेहपुर की क्या हैसियत है। उसको हिस्ट्री में भी आना चाहिए, क्योंकि बड़ी हिस्टोरिकल काम फतेहपुर वालों ने किया है। और हम चाहते हैं कि शायद ही कोई सुन ले कोई, और हम लोगों की ये जो प्रार्थना है कि फतेहपुर को उसका स्थान मिले, उसको स्वीकार किया जाए। आपका बहुत बहुत आभार। और मैं जो उम्मीद है कि फतेहपुर के लोग जो डिजर्व करते हैं वो जरूर मिलेगा। उनका इतिहास संरक्षित होना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन इतिहास को केवल सरकारों के भरोसे अगर हम रख देंगे तो इतिहास कभी संरक्षित रह नहीं पाएगा। इसके लिए यहाँ के जो नागरिक समाज है, जो सिविल सोसाइटी है, जो जनप्रतिनिधि हैं, साहित्यकार हैं, उन सबको मिल करके कोई प्रयास करना चाहिए, और अगर प्रयास करेंगे तो ज़रूर सफल होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।